नमस्कार दोस्तों, भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका से जुड़ी हुई काफी बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि इसके इंजन को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है हमारे पास। चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका, जो कि एक एकल सीट दोहरे इंजन वाला सभी मौसम में काम करने वाला लड़ाकू विमान है, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। एमका का उद्देश्य यही है कि हवाई वर्चस्व दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला करने और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। और एमका का डिजाइन ऐसा किया गया है जिससे इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी कम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि एमका को 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट वाला इंजन मिलेगा और यह कस्टम डिजाइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारतीय वायुसेना जिस तरह से चाहेगी उस तरह से इंजन को कस्टम डिजाइन करेगी। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट द्वारा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ विकसित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और यह जो इंजन है भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा, ऐसी जानकारी है। इसके साथ ही यह इंजन ऐसा बनाया जा रहा है जिससे भारत के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का रडार और एवियोनिक्स को आसानी से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल सके, जिससे वह अच्छी तरह से कार्य कर सके। इसके साथ ही अगर कुछ और जानकारी की बात करें तो एमका कार्यक्रम भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में काफी ज्यादा वृद्धि करेगा, ऐसी जानकारी है। और इसका जो उद्देश्य है स्टेल्थ क्षमताओं को काफी ज्यादा आगे रखना है, इसके साथ ही सुपर क्रूज क्षमताओं को भी एडवांस करना, और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों को एमका फाइटर जेट में डालना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमका फाइटर जेट का 2024 से 2025 में पहली उड़ान की योजना है। इसका जो उत्पादन है वह 2030 से शुरू होगा। तो भारत के एमका के लिए नया इंजन विकसित किया जा रहा है, जिसे DRDO और GTRE द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो कि 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के साथ एडवांस इंजन है, जो भारत के एमका को काफी ज्यादा पावर देगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।